नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनम्र और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विनम्र हैशटैग गेमिंग। तो चलिए यार इस वीडियो को शुरू कर देते हैं यार। अब तो गाइस आज जैसे कि आप देख सकते हो आज हम वापस से आ चुके थे PUBG पबजी मोबाइल में। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत टीडियम खेल लिया, बहुत हैंगर खेल लिया, मतलब प्रैक्टिस तो भर भर के कर ली। तो गाइस आज हम खेलने वाले थे इरेंगल को, ठीक है। मतलब आज हम इरेंगल को देखने वाले थे कि कैसा ही महसूस होता है अल्ट्रा प्रो लोगों को जब वो इरेंगल में उतरते हैं। तो गाइस ये मेरी निंजा हथौड़ी कपड़े पहन के जो मेरे अंदर शक्तियाँ आई थी वो शक्तियाँ इस्तेमाल करके हम पैराशूट से उतर चुके हैं। और अब बताते हैं यार, तो गाइस पबजी के सस्ते से आपने थोड़ी देर पहले देखे होंगे गाइस, जब ही मैं लेबोरेटरी पे उतरने लगा तो लेबोरेटरी दिख ही नहीं रही थी। और जैसे ही मैंने लेबोरेटरी से पैराशूट से आगे क्रॉस हुआ, लेबोरेटरी मेरे जस्ट पीछे थी। मतलब क्या ही करता है यार इस गेम में, क्या ही करता है। तो गाइस एक तरफ ये देखो एक एम मिल रही है 50 यूमिनेटर में, और यहाँ पे फ्री में एक एम पड़ी हुई है। क्या ही मतलब पबजी गेम भी किसी ने फूक के बनाई है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो गाइस यहाँ हमने एक एम उठा लिया है और हमने उठा लिया शॉटगन देसी डोगा। तो गाइस इस डोगे से अब इनका डोगी खोलते हैं। और यहाँ पे हमें मिल चुकी है M416 गॉर्डन, अब इसको ही बताते हैं। और ये बंदा देखो मतलब हमसे भिड़ने भी बॉट आते हैं यार, मतलब बॉट के अलावा कोई मिलता ही नहीं है। गाइस आखिरी में देखना, आखिरी में जो हमने शॉट मारा ना AWM से, वो देख के आपको कति फील आ जाएगी। तो वो फील लेने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखना, मजा सा आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस इसी बात पे बनता है गाना, तो यार मेरे मुंह से मेरी प्यारी आवाज में गए गाना सुन लो इसी बात पे, जिस बात पे हमने एक बॉट की पेटी चमकाई है। तो इस बात पे गाना बनता है, वो गाना मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। अरे दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर, दिलों का स्कूटर है मेरा शूटर, दिलों का स्कूटर। तो गाइस मेरे लेग्स थोड़े उल्टे सुधे हो गए हैं, लेकिन क्या करें यार, हम ढिंचक पूजा जी के बहुत बड़े फैन है। मतलब उनके गानों में जो सुरतार लिरिक्स होते हैं ना, क्या ही बताएंगे उनके, मतलब एकदम ताल से ताल मिली होती है लिरिक्स से लिरिक्स, और क्या ही मतलब गाना बनाते हैं यार, फैन हूं मैं उनका पक्का वाला, ठीक है। तो गाइस कोई परेशानी नहीं है यार, लेकिन यार यहाँ इस लेबोरेटरी में ना एक बात है, आज जितनी M416 यहाँ पे मिली है ना, वहाँ पे इतनी मतलब इतनी तो कहीं मिली नहीं है। तो गाइस मैंने भी इस खुशी में आकर M416 उठा ली, और एमओ भी फिर उस हिसाब से इतना ज़्यादा एमओ मिल गया हमें। फिर हमें कहा यार इस बार तो चिकन डिनर पक्का है यार, वरना आधी से ज़्यादा बार तो हम उतरते ही मर जाते थे, कोई बॉट ही मार देता था हमें, क्योंकि हमें गन ही नहीं मिलती थी। अब क्या ही करें यार, है तो नूब रही हम। तो फिर भी यार इस मैच में जो चिकन डिनर निकाला है ना, मतलब किल कम है लेकिन जो किल हुए ना, बड़ा मजा आ गया यार, मतलब आनंद आ गया इस मैच के अंदर, ठीक है। अरे विनम भाई एक बात बताओ, इस मैच में हमें मुर्गा डिनर मिलेगा? और नहीं तो क्या भाइयों, जरूर मिलेगा, टेंशन किस बात की ले रहे हो यार, अब की बार तुम्हें मुर्गा डिनर पक्का मिलेगा। मुर्गा डिनर और वेज भाइयों के लिए शाही पनीर डिनर। बहुत ज़्यादा देर तक टाइम पास करने के बाद हम आ चुके हैं मक्खर मच्छी, मतलब मच्छर मक्खी बनने, ठीक है। मतलब मेरे शब्द थोड़े अदल बदल गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं यारों। तो गाइस हम वापस से घुस चुके हैं इसके अंदर, इसे क्या कहते हैं गोले के अंदर, और ये हम मक्खी बन चुके हैं यार, इसी बात पे मक्खी बनेंगे। और फिर हम थोड़े बहुत ये लेके हम ट्रांसपोर्ट होने की कोशिश करेंगे, और सोच रहा था यार ट्रांसपोर्ट होएंगे जहाँ जाएंगे वहाँ से भी कुछ, वहाँ ही जाके बंदे बंदे मिल जाएंगे। तो गाइस ये मांग रहा है 15 कॉइन, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 ही कॉइन है। तो कैंसिल करके पहले ये एक आध दो कॉइन उठा लेते हैं, और फिर चलते हैं यार घूमने चलते हैं यार, मोटरसाइकिल पे बैठो और घूमो यार। लेकिन यहाँ पे तो मोटरसाइकिल की ज़रूरत ही नहीं है, एक जगह बैठो दूसरी जगह निकलो यार, ये तो गजब आदमी है। हाँ तो गाइस हम आ चुके हैं वापस से, हम जा रहे हैं लैब नंबर पता नहीं कौन सा लैब में, हम लैब नंबर ई में जा रहे थे, और घूम फिर के वापस यहीं पे आ जाएंगे। तो गाइस हम वापस से ये ल्यूमिनेटर जो भी हैं उठाते हैं, और देख रहे हो ना पबजी के सस्ते नशे, मतलब कोई मशीन नहीं, कुछ भी नज़र ही नहीं आ रहा है, देख रहे हो, मतलब खिड़कियाँ और खिड़कियाँ पास, मतलब ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है हमारी। नेटवर्क इतना ज़्यादा बढ़िया आता है हमारे घर में कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और ऊपर से मेरा फ़ोन इतना बढ़िया है ना कि माँ कसम इतना ज़्यादा गर्म हो चुका है कि अगर इसके ऊपर आप अपने टेक दोगे ना, तो आपको वैसी फील आएगी जैसे आपको धूप में बाइक खड़ी करने के बाद आती है, ठीक है। मेरे हाथ में ना मतलब ऐसा हो रहा है जैसे मेरे अपने हाथ में गरम गरम तवा पकड़ लिया हो, इतना गर्म हो गया मेरा फ़ोन।
तो मित्रों यारों, हो सकता है कि थोड़ी देर में मेरा फोन कति विस्फोट कर जाए, ब्लास्ट मार जाए। तो उससे पहले पहले जो है ना, मतलब वीडियो कंप्लीट करना चाहता हूँ मैं। तो ये मक्खी मच्छर जो भी है, इसको थोड़ा बहुत उड़ाने की मतलब हम कर लेते हैं कोशिश, क्योंकि ज़िंदगी में आज से पहले मैं कभी मक्खी बना नहीं हूँ, और आज बनाऊँ और आज मेरे से मतलब मक्खी बार बार दीवार में टकराई जा रही है, मतलब देख रहे हो ना। तो यार ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो गाइस हम वापस से घुस जाते हैं लेबोरेटरी में। किसमें? लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में जाके वापस से मक्खी मच्छर जो भी है वापस अपना बनते हैं, अपना रूप धारण करते हैं, और यहाँ से हो सकता है तो टेलीपोर्ट मारते हैं। और अब हम टेलीपोर्ट मारेंगे वापस से ही, नहीं वापस से नहीं, अब हम जा रहे हैं लैब सी में, ठीक है। तो वहाँ से घूम फिर के मतलब मोजा मारेंगे, और यहाँ पे आपको देखना कितनी फील आ जाएगी। हो सकता है यहाँ पे मैं एक आध दो बंदे टपका दूँ। तो देखो हमें यहाँ पे मतलब फिर से कोई भी मशीन नहीं है यहाँ पे, देख रहे हो, देख रहे हो, मतलब कुछ भी नहीं पड़ा यहाँ पे, एकदम खाली सन्नाटा। मतलब जैसे मेरे खौफ से यहाँ से सब अपना सामान उठा के भाग गए और वापस आ गए, देख रहे हो, देख रहे हो सत्यनशे। मैं सर बता रहा हूँ भाई, कोई कट बेट वीडियो नहीं है, ये अपने आप चल रहा है, ये अपने आप पबजी के सत्यनशे हैं। पंछी बनो उड़ती फिरूं मस्त गगन में, पंछी बनो उड़ती फिरूं मस्त गगन में, बमबारी बरसा डालूं मस्त गगन में, गाना देखो मैंने बनाया है ओपी, लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट भी कर दो। I got broads in Atlanta, just to throw in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank, legacies. तो गाइस 25 कॉइन हमारे वापस हो चुके हैं, और हमें तितली बन के उड़े जा रहे हैं, और कोई हमें काम धंधा है ही नहीं बिल्कुल। अगर बंदा भी दिख नहीं रहा, मतलब काफी बोरिंग सा मैच गया, लेकिन फिर भी यार हम इसको इंटरेस्टिंग बना देंगे आप लोगों के लिए, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो यार अब बहुत टाइम पास हो गया, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही टाइम पास हो गया यार। अब यार हम घुस जाते हैं अब इस घर के अंदर, और हम आपको दिखाते हैं यार एक मतलब, देखो यार अब हम नीचे जाएंगे वापस से, ठीक है। तो चलो यार अब चलते हैं यार। तो गाइस इसी बात पे ना मैं तुम्हें एक हाइडिंग प्लेस बताता हूँ, ठीक है। तुम पता क्या करा करो, ऐसे पंछी बन जाया करो, मतलब ये ऐसा मक्खी मतलब कीड़ा जो भी बन जाया करो, और कीड़ा बनने के बाद ना मतलब सबसे टॉप फ्लोर पर चला जाया करो, ठीक है। जैसे मैं जा रहा हूँ, देखो पहले मतलब ऐसे टॉप फ्लोर पर चले जाया करो, और ऐसे टॉप फ्लोर पर जाने के बाद, जैसे कि हम आ चुके हैं, तो ऐसे टॉप फ्लोर पर जाने के बाद बाहर निकल के ये जो छत है ना, इस पर चढ़ने का एक तरीका बताता हूँ आपको मैं। ऐसे ऊपर आए और फिर मतलब बिल्कुल ऊपर की तरफ चढ़ने लग गए, तो गाइस आप अपने आप क्वांटम फील्ड से बाहर हो जाओगे, और यहाँ पर आप अपने आप आदमी बन जाओगे, और उसके बाद यहाँ पर जो भी बंदा आएगा ना, उसके लिए बहुत सीक्रेट लोकेशन होगी, ठीक है। किसी को नहीं पता चलेगा कि आप यहाँ लेटे हुए हो आराम से। तो आप यहाँ पे आराम से लेट के प्रोन होकर मतलब कती निशान लगा सकते हो, कती निशान ची बन सकते हो, और स्नाइपिंग कर सकते हो। तो देखो यार जैसे कि मैं बन जाऊँगा अभी, गाइस मक्खी मच्छर और ये प्रोन तो हम होते रहेंगे, लेकिन नीचे देखो कोई हमें गोलियाँ चला रहा था, और हम पे एक आध दो गोली लगी भी, लेकिन हमें वो बंदा पता नहीं चल रहा था कि है कहाँ पे। तो फिर मेरा दिमाग ख़राब हुआ और मैं आदमी बन गया, लेकिन मेरे को क्या ही डैमेज दिया यार उसने, क्या ही उस नुनू ने मुझे क्या ही डैमेज दिया। तो अगर दे दिया तो दे दिया यार, अब हमारा आराम से प्रोन हो चुका था। गाइस यहाँ पे कोई मेरे को क्या ही निशाना मारेगा, मतलब यहाँ पे एकदम सेफ लोकेशन में बैठा हुआ था मैं, लेकिन हमें तो मतलब चूल है बिल्कुल। तो गाइस उस चूल के चक्कर में मेरे को मतलब होने लग गया कि मैं भी नीचे जाऊँ और बंदे को टपका दूँ। तो गाइस फिर मैं नीचे गया, मुझे लगा बंदा यहाँ बैठा होगा, लेकिन वो यहाँ नहीं था, ठीक है। तो गाइस बहुत देर तक ना गेम मैच जैसे करने के बाद मैं नीचे आया, और नीचे आते ही मुझे इसकी मुंडी दिखी, और मैंने इसकी मुंडी को लटकाई है ना वो देखो। और ये बॉट जो है ना, मतलब आजकल बॉट भी प्रोन होकर मारने लग गए, तो मैंने अपने आराम से गन चेंज करी और आराम से इसकी पेटी चमका दी और हरा धुआं निकाल दिया। तो गाइस अब इसके अंदर तो AKM पड़ी हुई थी, और AKM तो हमारे पास पहले से थी, तो हमने नहीं उठाई। तो हम अब आगे बढ़ते हैं यार, और कुछ मुसीबतों की वजह से ना गाइस अंदर जो है ना, मैं मतलब अपनी लोकेशन भी चेंज नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो अब फिर मैंने सोचा कि भगते हैं पैदल ही, तो यार अभी पैदल भगते हो आप, मुझे क्या ही देखोगे। तो गाइस यार मेरे को लगा कि ना यहाँ पे भी और भी बंदे आ सकते हैं, तो मैं नहीं गया, और फिर मैं ऊपर चढ़ा और आराम से वहाँ पे थोड़ी देर मैंने बैठा, और बैठने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे मतलब अभी देखो फुटस्टेप आने लग गए, और मैं फिर फुटस्टेप की तरफ दौड़ा यार। अब मेरे से जब मेरे पास गन होती है ना, तो मेरे से बंदे देख कर रुका नहीं जाता, मैं उनकी तरफ मतलब मैं उनको देख फुटस्टेप देख के पागल हो जाता हूँ। अब आप देखना मैं फिर से पागल हो जाऊँगा, और उस सामने वाले बंदे को भी कति पागल कर दूंगा। तो देखो यार अब मज़ा आएगा, मुझे लगा यार वो घूम के मेरा पागल बना के वो वापस ऊपर चढ़ गया। तो गाइस ये मैं वापस ने मेरा पागल बनाया, और जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा वैसे ही मुझे उसके दोबारा फुटस्टेप आने लगे, तो मैं दोबारा नीचे कूद गया। देखो सही एक बार, तो मैं दोबारा नीचे कूदा, कूदा या नहीं कूदा,
मतलब कूदा मतलब नीचे मैं, लेकिन थोड़ा टाइम रख के कूदा। तो गाइस मैं दोबारा नीचे कूदा और कूदते ही देखा कि बंदा मुझे दिखता है, लेकिन बंदा मुझे नहीं देखा, उसने मेरे को थोड़ा डैमेज दिया और मैंने उसको फिर से चपकाया ना, ठीक है। तो गाइस इसका नाम था हेनरी, तो हेनरी बॉट बेटा। तो गाइस ये ना मतलब मेरे बॉट अंकल के फूफा का लड़का था, तो मैंने उसको बहुत प्यार से समझाया, यार ऐसे तू आपस में मेरे से मत भिड़। तो गाइस लेकिन इसको इसने मेरे को थोड़ा डैमेज दिया, इसलिए मैंने इसकी मतलब इसकी सफा चट कर दिया इसको। अरे विनम भाई अपना यार थोड़े असली बंदे मारो यार, तुम तब से बॉट मारते हो, बॉट 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 इतने बॉट मारते हो, फिर कहते हो तुम प्रो। अरे यार गाइस मैं कब कहते हो यार मैं प्रो हूं, तो आपको तो पता ही है मैं कितना बड़ा नूबड़ा हो रखा हूं यार। अब देखना यार यहाँ पे यार मैं कितनी ही कोशिश करने वाला हूँ कि मैं ट्रांसपोर्ट हो जाऊँ, लेकिन मैं होने ही वाला नहीं हूँ। तो मैं सोचा कि मैं पहले ग्रेनेड उठाता हूँ और स्टन ग्रेनेड उठाता हूँ और फिर यहाँ से जाऊँगा, लेकिन अब देखना यार पबजी के सस्ते से देखो मतलब ऑप्शन ही नहीं आ रहा ट्रांसपोर्ट का, और ना मैं तितली बन पा रहा हूँ देखो, मतलब कुछ भी चल रहा है। मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी कि मैं बन जाऊँ तितली, बन जाऊँ वापस तितली बन जाऊँ, लेकिन मैं तितली नहीं बन पाया। तो मैंने कहा छोड़ यार अब तितली ऐसी तैसी करा गई, मैं अब चलता हूँ, भगना पड़ेगा अब यहाँ से। तो अब हम यहाँ से भगते हुए निकलते हैं गाइस। तो गाइस फिर इसी बात पे यहाँ से अब चुप निकल लेते हैं, क्योंकि अब भगने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और मैं नहीं चाहता मेरे अच्छे खासे गेम प्ले की बिल्कुल ऐसी की तैसी फिर जाए, ठीक है। तो अब यहाँ से भगते हैं, और जोन की लाइन बिल्कुल हमारे सामने ज़्यादा दूर नहीं है। तो गाइस एक तरीका तो तरीका बता रहा हूँ तुम्हें। तो गाइस जब भी यार तुम जोन के पीछे हो ना, तो थोड़ा मतलब कोशिश करना कि टेढ़ा मेढ़ा भागो, क्योंकि कोई बंदा जो है ना मतलब अगर जोन के अंदर से या जोन के बाहर से तुम पे एम बैठा रहा हो तो फिर नहीं बैठेगा वो तुम पे, ठीक है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। हाँ तो गाइस अब यहाँ से हम जो ड्रिंक व्रिंक पी के जो है ना अब यहाँ से चुप निकल जाते हैं, कि ताकि कोई और हमें मतलब टपका ना दे यार, मतलब सीधी बात है खौफ है यार, मतलब सच में बुरा लगता है यार भाई। हाँ तो गाइज अब हम आपस से मतलब भाग भाग के अब इस जगह पहुंच गए थे गाइज। तो मेरे दिमाग में आया बहुत देर हो गया, मतलब बहुत देर हो चुकी है, अब एक किल करें अब तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो गाइज मैं सोची अब तो बॉट फायर करते हैं, तो गाइज मैं बॉट फायर करने लग गया, मतलब एक एक गोली चलाने लग गया खाम खाम, कि कोई बंदा अगर उसको लगे कि यहाँ पे बॉट है और वो मुझे मारने आए। और गाइज मानो या ना मानो वो ऐसा हुआ भी, सेम टू सेम डिटो कॉपी ऐसा सेम टू सेम हुआ। अभी आप देखोगे ना आपको फिर देखो मतलब बॉट फायर करें तो बॉट ही आ गया, मतलब वाह 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 वाह, मतलब बॉट फाइट करो तो बॉट आते मारने यार, इस मैच में बॉट ही भरे हुए थे। तो गाइस कर मैं टास्क मतलब यही रखने वाला हूँ कि व्हेन यू प्रिटेंड टू बी बॉट एंड यू किल आल्सो बॉट, मतलब ऐसा कुछ टारगेट रख दूंगा, मतलब टारगेट नहीं ऐसा कुछ रख दूंगा इसका टाइटल। तो गाइस सपोर्ट कर देना वीडियो को, ठीक है। मैं आपको बीच बीच में बोले जा रहा हूँ यार ऐसा बात अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोई बात नहीं यार अब तुम भाई हो, अब मैं छोटा भाई हूँ कर देना यार, ठीक है ठीक है। तो गाइस अभी हमें ऊपर नीचे चढ़ते हैं जो भी करना था। गाइस ये बॉट फायर वाले मजा बहुत आया। तो गाइस अभी तक आप खुद देखो यार, मतलब 4 किल हुए और बस 24 बंदे बचे अभी तक, लेकिन एक बात बार बार बता रहा हूँ, लास्ट में एक सरप्राइज है, एक लास्ट में बहुत बड़ा सरप्राइज है आप सबके लिए, ठीक है।
तो गाइस यहाँ पे मेरे को लगा कि यहाँ पे कोई एक आध बंदा मिल जाएगा, स्कोप लगाऊंगा और टारगेट करूंगा, लेकिन नहीं यार, यहाँ पे भी हम बस भगे जा रहे हैं। मतलब हम कुत्तों की तरह भगे जा रहे हैं, जैसे कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं और भगे जाओ मतलब। तो गाइस इस मैच में मैं पहले भाग के भगाऊं और फिर भगने के बाद फिर भगाऊं, ठीक है। मतलब इस मैच में मैंने चिकन डिनर भग भग के निकाला है, लेकिन लास्ट में आपको जो AWM का हेडशॉट लगाया ना, मतलब हेडशॉट क्या कहेंगे, मतलब जो AWM से शॉट लगाया ना, वो इतना प्यारा शॉट लगा कि मजा ही आ गया। तो गाइस अब हम जा रहे थे याशियाना पनीर लाना पे, तो चलते हैं यार वहीं। तो एक बार यहाँ पे M412 से एक और बार स्कोप खोल के देख लेते, चक्कर लेते, बहुत फायर लेके देख लेते, क्या पता कोई बैठा हो, निशाना लगा रहा हो। तो गाइस हमें कोई नहीं दिखा, तो हमने फिर भगना शुरू कर दिया। देखो रुको जरा, सबर करो। तो गाइस रुको यार, लेकिन यार अभी रुको, अभी आखिर में अभी 3-5 दिन हो सकता है और निकल जाए, कुछ नहीं पता यार जिंदगी का। तो गाइस हम पहुंच चुके थे याशियाना पनीर लाना पे। तो गाइस हमें अब मुझे मैं ना यहाँ पे मतलब एक बड़ी ऐसी सेफ जगह ढूंढ रहा था जहाँ मैं आराम से बैठ जाऊँ, ठीक है। और अभी देखना यार, अभी तो मैंने AWM उठानी है, उसके बाद AWM से खेलनी है। तो गाइस यहाँ पे मैं मिली अपनी कार, ठीक है, लाल रंग की मिल गई, खड़ी खड़ी हुई है। तो गाइस मैंने सोचा कि सीट चेंज करके, अगर मान लो एकदम से बंदा सामने आए तो क्या करूंगा मैं, तो मैंने सीट चेंज करके देखी। तो गाइस जब मैंने वापस से अपना स्पीड बूस्ट मारा, जो भी मारा, मतलब गाड़ी भगाई कुत्तों की तरह। पहले मैं खुद कुत्तों की तरह भग रहा था, मैंने गाड़ी भगाई कुत्तों की तरह, और सामने मुझे वो लाल का धुआं दिखा जिस वजह से, और वो लाल धुआं मुझे इतना प्यारा लगा कि मन किया कि गाड़ी सिर्फ उसके पास जाकर रोकूं। और गाइस मैंने किया भी वैसे ही, सब की ऐसी तैसी, बंदे ऐसी तैसी कराए, मुझे वो लाल धुआं इतना प्यारा और मोहब्बत, चुम्मी लेने का मन कर रहा था उस गाड़ी का, चुम्बेश्वर लाल धुआं। और हम ड्रॉप के पास गाड़ी भगाते भगाते लेते गए, लाल धुएं के पास हम भगाते भगाते लाल गाड़ी ले गए। और हाँ यार एक बात है, ये इन रस्तों में मुझे कहीं कोई बंदा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन अभी देखना अभी मैच अभी बाकी है यार मेरे यारों। तो गाइस यहाँ पे हम आ चुके थे अपना लाल धुआं, मतलब लाल डब्बे को उठाने, लाल डब्बे में से लाल धुआं निकल रहा है, और हम वहाँ पे आए लाल गाड़ी में। तो गाइस हम यहाँ से उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या मिलेगा। और यहाँ पे मिल गई है AWM मिल गई है यार गाइस हमें। बेटे बेटे मौज कर दी, हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर, वो तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पे AWM मिल गई यार। अब हम, मैं सच बोलता हूँ यार, मतलब बोलते सच हैं, बेशक जितना बोलेंगे उतना सच बोलेंगे, मतलब झूठ तो बोलते ही नहीं हम अपनी वीडियो में। तो गाइस हमने यहाँ से अपनी गाड़ी वापस भगाई, और हम एकदम याशियाना पनीर लाना के ऊपर, मतलब बिल्कुल सेफ हाउस में घुस चुके हो यहाँ पे। तो गाइस मेरे को जहाँ तक लगा कि सेंटर ही बनेगा, तो किसी को शक ना हो, इसलिए मैंने अपनी ये जो गाड़ी है, मतलब ये अपनी मर्सिडीज को यहाँ दूर खड़ा कर दिया, और अब अपनी AWM को लेकर हम यहाँ से भगे। तो गाइस यहाँ पे इस टाइम हमारे पास दोनों, मतलब जो दोनों गनों की भगवान है ना, वो थी हमारे पास। तो गाइस हमें किसी चीज़ से टेंशन लेने की जरूरत थी नहीं, तो हमने ली भी नहीं यार। तो गाइस यहाँ पे घुसते मैं 4x मिल गया, लेकिन 4x की कोई जरूरत ही नहीं थी यार लेने की, क्योंकि हमारे पास पहले से ही 6x पड़ा था यार। मतलब AWM तो बाद में मिली है, लेकिन 6x पहले ही मिल गया यार, मतलब बर्थों पहले 6x, और ये 6x हम AWM में लगा देंगे। AWM चुम्मी गन है बिल्कुल यार मेरे, तो इसको चुम्मा गन बुलाऊंगा। तो गाइस ये अपनी चुम्मा गन में यार, मतलब हमने 6x स्कोप लगा दिया, और फिर हमने गेट बंद किया, और हमें आवाज़ आई यार पीछे से गोलियां चलने की।
तो हमने वहाँ घूर घूर के देखा तो हमें वहाँ पे कोई बंदा दिखा नहीं यार, मतलब देख रहे हो हमें वहाँ पे कोई बंदा दिखा ही नहीं, पूरा सिक्स सेक्स फुल करके दिखाया यार, मतलब हमने एकदम गाल के देखा मतलब, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ मतलब कुछ भी नहीं दिखा। और हम खामखा गोली चला के बंदे को अपनी लोकेशन तो देना चाहते नहीं थे, तो गाइज इसलिए ना हमने यार नहीं किया वो। तो गाइज हम मतलब आंखें अपनी गाड़ गाड़ के बिल्कुल देख रहे थे बंदे की, वो अपनी मुंडी निकाले और हम उसको ऐसा हेडशॉट पे लें कि वो याद रखे यार। लेकिन यार अभी वो वाला हेडशॉट अभी रह रहा है, थोड़ा सा दूर है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल चुनक सा दूर है, ठीक है। तो गाइज हम मतलब देखे जा रहे थे लेकिन यार कहीं कहीं बंदे का ना आता हो ना पता हो, मतलब बंदा दिख ही नहीं रहा बिल्कुल। तो गाइज ऐसे ढूंढते मतलब बहुत देर हो चुकी थी, तो गाइज यार बहुत देर से अपनी ऐसी तैसी करवाने के बाद ना मुझे समझ आ गया यार कि बंदे यहाँ पे नहीं मिल रहा मुझे। तो गाइज फिर मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो गाइज निकलने की सोची तो मुझे यहाँ पे हल्के हल्के मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे फुटस्टेप्स आ रहे हैं, पता नहीं आपने ध्यान दिया हो ना दिया हो, लेकिन पता नहीं फुटस्टेप मैप पे है ना, मतलब मुझे आवाज़ सी सुनाई दी थोड़ी अजीब सी कि शायद से फुटस्टेप आ रहे हैं। तो गाइज अब हमारे हाथ में AWM थी तो मुझे लगा कि बंदा शॉर्ट रेंज में होगा अगर फुटस्टेप आ रहे हैं। तो गाइज मैंने फिर सोचा कि M41 ये निकालता हूँ, M241। तो इतने मैं ऊपर बैठा था आराम से कि क्या पता मतलब चुपचाप सन्नाटे में कि नीचे अगर कोई आए तो मुझे पता चल जाए, तो मैं काफ़ी देर तक ऊपर ही बैठा रहा। तो गाइज अब जाके काफ़ी देर बाद कहीं हमें बंदूकों की थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ सुनाई दी। तो गाइज फिर वो देखो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब शूट का बटन का ऑप्शन आया। तो गाइज फिर मैं सोचा कि हम शायद अब नीचे जाने का सही मौका आ चुका है, अब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, अब अगर चिकन डिनर निकालना है तो एक आध बंदा टपकाना और पड़ेगा ही पड़ेगा। तो गाइज मैं बाहर निकला और बाहर निकलते मुझे बंदा दिख गया और फिर मैंने इसको M41 से सुला दिया, मतलब इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ठीक है। मुझे समझ नहीं आया कि बॉट है या क्या है, लेकिन जो भी था मैंने इसको टपका डाला। और गाइस फिर मैं घर में वापस आ गया कि मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना था। तो गाइस क्योंकि मैं चिकन डिनर के इतने पास आ गया था ना कि अब मेरा मतलब कुछ नहीं, मतलब और कुछ मन ही नहीं कर रहा था, ठीक है। तो गाइस अगर मेरा अब चिकन डिनर नहीं निकलता ना तो गाइस जो मैं रोता ना, मतलब मैं पीट पीट के रोता और बहुत ज़ोर से रोता, और मेरा रोने की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती ना कि आप अपने घर बैठे बैठे कांप जाते, ठीक है। तो गाइस अब मतलब कती दो बंदे बचे हुए थे और एक बंदा मुझे जस्ट सामने दिखा, अभी देखना है भाई दिखेगा, अभी मुझे दिखा, ये रहा देखो। और इस मधोज बंदे को पता ही नहीं है कि इसको क्या मतलब क्या ही बीमारी है इसको। तो गाइस हमने इसको बैठे बैठे प्यार से लुकाया और अभी देखो, अभी आखिरी शॉट देखना बाकी है, अभी AWM। मैंने सोचा कि अब आप जितना भी रिस्क है, अब आखिरी बंदा तो मैं AWM से ही मारूंगा, बेशक वो कितना ही प्रो हो, अगर मारूंगा अगर चिकन निकालूंगा तो AWM से ही निकालूंगा, ताकि लोगों को थोड़ी एंडिंग, पूरा मैच इतना बोरिंग था ताकि लोगों को एक लास्ट में एक शॉट पसंद आ जाए। तो गाइस अब थोड़ा थोड़ा अगर आपको पसंद आए तो वैसा ही था हुआ, अभी देखना यार बंदा आया और हमने उसके सीधा AWM से ठोक दिया साले को, ठीक है। अभी देखना वो रहा देखो सामने बंदा, बात कर हम इस बंदे को बता देते हैं और ये ख़त्म हो गया यार, अब ये ख़त्म है। तो गाइस अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, बाय बाय यार भाई, बाय बाय, ख़त्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।